नाम से जितना जमीन है मंतरी में, है ना, ये जमीन जो है टोटल ये अपना पुराना बच्चा है ममता जी के पिता के नाम से जो है ये कर दी। और दूसरी बात है कि आपको जो है अगर इनसे प्रेम है, अगर रखना चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं, समझ गए, लेकिन आपको केंडी में आपको हम लोग दिखाना चाहते हैं, पूरा समाज केंडी आपको दिखाना चाहते हैं। एक व्यक्ति को रिश्ते में अपनी सरहज के साथ आशिकी लड़ाना महंगा पड़ गया। 12 साल के प्रेम संबंध के बाद जब उसके दामाद को इस बात की भनक लगी तब उसने पूरे गांव में पंचायत लगा दी और फिर पंचायत ने जो फैसला सुनाया उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मामला जमुई जिले का है जहां एक व्यक्ति का अपने ही सरहज के साथ पिछले 12 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। इस प्रेम संबंध के बाद इसकी जानकारी जब गाँव के लोगों को हुई तो उनके द्वारा मामले में बीते रविवार देर शाम पंचायत लगाई गई। पंचायत में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे और ग्रामीणों के द्वारा इसमें सामूहिक रूप से एक निर्णय सुनाया गया। मामले के बाद ग्रामीणों ने यह फैसला सुनाया कि वह व्यक्ति अब दोबारा कभी अपने ससुराल नहीं आएगा। इतना ही नहीं, पंचायत ने यह भी फैसला सुनाया कि उसे अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी और बेटे के नाम करनी है। मामला जमुई जिले का है जहां उमंतरी के रहने वाले प्रदीप साव का प्रेम संबंध केंडीह गांव की सुधा देवी के साथ पिछले 12 वर्षों से चल रहा था। मामला दो पक्षों के बीच था। एक पत्नी अपने पति पर आरोप लगाया कि उसका नाजायज संबंध उसकी अपनी भौजाई से है और जब से वो विकलांग हुई है तब से वो संबंध उसके साथ है और उसके नाजायज संबंध के कारण हमारे पूरे परिवार बच्चों को खाना पीना नहीं देता और देखना बंद कर दिया है और समाज से गुहार लगाया कि हमको उचित न्याय दिलाया जाए। इस संबंध में जो पंचायत हुई उसके पति के गांव के लोगों ने भी पत्नी के आरोप को स्वीकारा, कहा कि सच है। केंडी के लोगों ने भी कहा कि नहीं, जो आरोप लगाया गया है वो सच है और इसलिए तब यहाँ के पंचों ने एक फैसला दिया कि लड़का जिसका नाजायज संबंध का आरोप है उसके सरहज के साथ वो अपने हिस्से की संपत्ति को अपने बेटे के नाम रजिस्ट्री कर दे और अब आज के बाद से वो केंडी नहीं चढ़े, ससुराल नहीं आए जिस चूंकि नाजायज संबंध, और उस औरत को भी उनके सरहज को भी हिदायत दिया कि वो उससे कोई संपर्क नहीं रखे। यही बताया जाता है कि प्रदीप साव कोलकाता में रहकर काम करता है तथा जब भी वह कोलकाता से अपने घर आता था तो उमंतरी जाने की बजाय वह अपने ससुराल चला जाता था और कई कई दिन तक वहीं रुका रहता था। वहीं उसकी पत्नी जिसे पैरालिसिस का अटैक हो गया था वह लाचार थी और उसकी बेटियों के द्वारा बीड़ी बनाकर अपनी माता की देखभाल की जा रही थी। इसे लेकर ही पंचायत लगाई गई और फिर उसमें यह फैसला सुनाया गया। फैसला सुनाने के बाद दोनों ने पंचायत का फैसला स्वीकार करने की भी बात कही है। बहरहाल अभी यह मामला जमुई जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बुलेटिन के लिए जमुई से गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।